क्योंकि विदाउट द नोट ये गाना होने वाला है, इतनी खूबसूरती से गाया। सो नो रिहर्सल आ रहे फॉर नेक्स्ट टाइम रोमी, वी मेक नो रिहर्सल करेंगे। हिमांशु जी सॉरी कर नहीं है, बट नो रिहर्सल टाइम। सीधा वो गाना बताओ कौन सा शूट कर रहे हैं और सीधा हम लोग टेक करेंगे। ब्रिलियंट गाइस, ब्रिलियंट, इट कम्स फ्रॉम विदिन। या द ऑनेस्टी शोज एंड इट्स देयर। अब आपका फेवरेट गाना हो गया, आई थिंक our team should decide which is yours. तो जितने गाने आपने record कराए specially for Kaira, so which you think they should dance on? अच्छा, अभी एक बहुत एक स्पेशल सरप्राइज है, एंड शुड वी अनवील द सरप्राइज? एंड सर का स्पेशल साइन के साथ में ये आइडिया था कि दैट वी वांट दिस। ये आपको आपके एक बेडरूम में एडिशन रखनी पड़ेगी अपने बेडरूम में, या अपने मंदिर में जहाँ भी आप चाहें, या जहाँ भी आपका प्रेइंग हो, यू हैव टू कीप दिस। दिस इज फ्रॉम आवर साइड एंड आई जस्ट साइन इट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम। I'm just representing everybody who has worked hard, and I just go on stage and hold the trophies, otherwise also it'll be fun. So this is, which I really believe always is a big mein kaha tha, for me, mere career ki PKPT rishta ka kehlata hai ki, aur sari duniya, sare world ki, matlab एवरी पार्ट मतलब इंटरनेशनली एवरीवेयर कायरा एक एहसास है। आज बहुत बात हुई क्या हुआ, बट इट इज अ फीलिंग, एंड दिस फीलिंग एवरीबडी हु लव देम विल ऐड देयर ओन वर्ड्स, देयर ओन एडजेक्टिव्स, देयर ओन थॉट्स, एंड फॉर मी, फॉर एंटायर डीकेपी एंड रिश्ता, दे आर द बेस्ट जोड़ी फॉर एवर। बेस्ट जोड़ी आज तक, आज मतलब कल बेस्ट जोड़ी थी, आज बेस्ट जोड़ी है, और आगे भी कल तक बेस्ट जोड़ेगी, कल आज और कल इन माय एंटायर करियर एंड डीके पीस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद जैसा आपने कहा था पहले भी कि हर 6 जनवरी को हम कायरा डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ कायरा कैंडीज मंगाइए, ऐसे कायरा कैंडीज, तो प्लीज ये आप ये भी लोगों को बता दीजिए, आप सब लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे कायरा कैंडीज, तो प्लीज ये अभी तो खाने के लिए नहीं है, बट आगे जाके हम अगले साल एक्चुअली ये मार्केट में दिखाई देगी कायरा कैंडीज, लोग खा रहे होंगे और एक दूसरे को हाँ प्यार करने वाला एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा कायरा कैंडीज। सो हमारे जिंदगी का जो सब डीकेपी रिश्ता की चलाते की पूरी टीम है, इन्होंने एंटायर टीम सिटिंग नॉट हियर फॉर अस, 6 जनवरी इज द मोस्ट डिफाइनिंग डे इन द हिस्ट्री ऑफ ये रिश्ता का चलाता है। तो आप कोई भी डेज मना लो, वैलेंटाइंस डे और एक्स वाई डेज, जितने भी होते हैं फेस्टिवल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, नेशनल हॉलीडेज होते हैं, हमारे लिए हमेशा 6 जनवरी विल बी कायरा डे।
So the special candies, because you have to wait for more. You should not juice on anything now. So the special candies will be there next year. But this is what they look like. सर एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग बहुत सारी जगह ग्रीस भी गए हैं स्विट्जरलैंड भी गए हैं तो आप लोग तीनों का एक बहुत फेवरेट पोज है इस आपके पोज जो आप तीनों हमेशा करते हो आप लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप पे भी देखा हुआ तो हम चाहेंगे कि आप वो एस आर के पोज करें आप तीनों प्लीज गाइस प्लीज शेयर अप एक्चुअली ये कोई म्यूजिक है तो हम लोग ना लास्ट फ्यू डेज ऑफ शूटिंग में आई नो द प्रेस वाज नॉट अलाउड टू कवर इट और हमारे सारे शूटिंग में द एंटायर टीम रोज बड़े बड़े बैनर्स लगे थे नोबडी शुड शूट नोबडी शुड टेक फोटोग्राफ बिकॉज अगेन बिफोर वी गेट इट टू द पोज आई वुड लाइक टू थैंक द लास्ट फ्यू डेज मतलब एवरीबडीज वर्कआउट फॉर दिस एंटायर फेज ऑफ ये रिश्ता कहलाता हूँ ट्वेल्व एंड ऑफ कोर्स कायरा फेज बट लास्ट फ्यू डेज जो टीम ने जो वो मेहनत करी जो सिनर्जी बनी सारे मेंबर्स की सबकी एंड इट मेड अस वेरी सेंटिमेंटल व्हेन यू स्पोक अबाउट आई टोल्ड यू 6 जैन बहुत ही डिफाइनिंग डे है आई नो व्हाट ऑल एवरीबॉडी आउट हियर वेदर इट्स लाइक आवर टीम्स आउट हियर व्हाट ऑल वाज गोइंग ऑन यू नो हमारे फैंस बोल रहे थे प्यार से बोल रहे थे बहुत सारी चीजें कि क्या 6 जैन को होने वाला क्यों कर रहे हो क्या होने वाला 7 जैन को क्या होगा So it's all for the better and it's going to be a beautiful journey. But what Shivangi and Morsi invoke in me, jo main the jazba leke aate, wo bahut zyada sentiments and bahut zyada gratitude and I get very emotional when it comes. And they are the only actors who make the producer dance to their tunes. मुझे भी याद है आप ग्रीस में एक आउटडोर कर रहे थे और बहुत हेक्टिक शेड्यूल था एवरीबॉडी नोज द टीम वाज देयर हेक्टिक शेड्यूल था और ऑल द टाइम तीन घंटे सोना वी शुड ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू द अदर सिटी यू नो ग्रीस में एवरी डे एंड आई थिंक सब जीरो टेम्परेचर फ्रोजन टेम्परेचर में देश टू बी एट एट आवर्स डांसिंग इन वॉट एवर एंड एक दिन मॉर्निंग में ना सब थोड़े ग्रंपी थे तो वो पर रिहर्सिंग फॉर अ सॉन्ग आई फॉरगॉट इट वाज सैंटोरिनी सैंटोरिनी एंड देयर कुछ हंसी मजाक हो गया दे बोथ टोल्ड मी सर बिकॉज ही सो ही लव्स एसआरके ऑन रोड है सर आपके साथ में ऐसा के पोस्ट करना है ऐसे छोड़ यार मैं क्या करूंगा ये वो बट दे इंसिस्टेड बोथ अर्ली मॉर्निंग बिफोर रमेश वाज गोइंग टू रोल एंड गरिमा एवरीबॉडी एंड सतीश एवरीबॉडी वाज बिफोर गोइंग टू कम विवेक आर्यन और ऋषि एवरीबॉडी वी डिड द एसआर के पोस्ट उसके बाद जब भी कुछ स्ट्रेटेजी कुछ होता है दे बोथ इंसिस्ट दैट वी डू द एसआर के पोस्ट टुगेदर एंड रियली इट इज आई विल नेवर डू दिस पोस्ट अगेन For me, it is only with Kyra. और अगर वापस कभी होगा ये I don't know when and what, this feeling will never come back again. I don't know. And hopefully we'll have a better journey, things will change because that pose I'll never do with it. We start on the new thing. आई थिंक जो कायरा की बिल्कुल जर्नी रही है साढ़े चार साल की इतने सारे मोमेंट्स हैं मेनली somebody was asking what is that best scene what is the best moment ये behind the scenes ऐसे वाले मोमेंट इज द ओनली टाइम आई यू नो बीन सो क्लोज टू एनीबॉडी ना टू गो एंड मेक अ फूल ऑफ मायसेल्फ एंड डांस लाइक एसआर के या सो दिस इज वेरी स्पेशल टू मी ना व्हाई डे एंड टू दैट एक्स वाई जेड हैपेंड ठीक है एंड ग्रेट इट्स बीन अ मोशन आई नो हाउ What Shivangi has been going through all the last few days, Abhir is there, we've seen her. What Morsi has been going through, you know, because it's such a beautiful, and what will happen tomorrow on 6th. So hats off to keeping our morale high. There were times, and on screen, which is the one moment which you think is the most special moment. Saath mein jawab doge ya alag alag? Okay. I know the Kyra moment for her.
शिवाजी के जो सबसे फेवरेट पैरा मोमेंट वॉज द वेडिंग सो द एंटायर वेडिंग सीक्वेंस वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल यू टेल मी ये बोलते कि डिवोर्स था रंग वैसे तो कोई एक मोमेंट बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन जी हाँ कायरा वेडिंग जो कार्तिक और नायरा की शादी थी वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है और हमेशा रहेगी सारे मोमेंट्स के साथ तो सभी बहुत स्पेशल है क्योंकि ऐसे कायरा वेडिंग तो उसका तो फील ही आई हम सब के लिए एक्चुअली ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन सब वो पूरा ओवरऑल वो जो सीक्वेंस था कि सभी के लिए काफ़ी स्पेशल So, yeah, for him... And now you have to guess for him, yeah. Change kar dega main khud. This is so unfair. Yeah, aise to Kartik ke liye bhi bahut saare hain. To ab main sab batane ke liye rogi to pooch sakta hai. Abhi inke dimag mein wo wala moment na ho. But कायरा बॉम्बे आउटडोर जो था उस पर जो कायरा की सिचुएशन थी और यू नो वैसे मिलना अलग होना एंड यू नो प्रोफेसर उस टाइम पे आई वाज अ स्टूडेंट तो वो आई थिंक वो इक्वेशन की अर्ली लाइफ मैंने सोचा ही नहीं था बिकॉज हम द होल फैमिली का पूरा ड्रामा चल रहा था एंड सडनली भाई को लेकर जो ड्रामा होता है द ब्रदर डाइज एंड द मोमेंट द सेपरेट एक अलग ही ड्रामा शुरू हुआ था एक बॉम्बे आउटडोर हुआ था जहाँ पे प्रोफेसर स्टूडेंट वाला जो फील था तो इट गेव अ कंप्लीट न्यू फील एंड फॉर अस टू परफॉर्म एज वेल इतना कुछ हुआ So that entire year was very special. Yeah. So the Bombay Outer, I call it the last. My last one question. Hopefully, yeah. It has a beautiful journey. Kabhi pyaar, mohabbat, kabhi takrar, kabhi separation, kabhi bahut pyaar. And the entire journey, you know, goes on to the family being extended also. Aap logo ne as individuals, क्या एक चीज सबसे बड़ी आपकी सीख रही है शो के मतलब पूरे जर्नी में ऐसा क्या क्या नो मैटर व्हाट योर फैमिली कम्स फर्स्ट दैट इज व्हाट मैं हमेशा से मानती थी और नायरा प्ले करने के बाद यू नो मैं जब आई तो मैं छोटी थी और अभी नायरा के साथ साथ इतनी शिवांगी भी बड़ी हुई है मैच्योर हुई है तो ये चीज़ जो है ये शिवांगी और नायरा की कॉन्स्टेंट थी मतलब ये दोनों में रही है हमेशा से लेकिन फिर भी नायरा की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हर फैमिली इज एवरीथिंग एंड मेरे लिए भी और अंदर मैं 11 साल पहले राजन सर से मिला था एक दूसरे शो के लिए उन्होंने कहा था मुझे क्या क्या करते मेरा शो देखते हुए नहीं टीवी में देखता रहता एंड सो ही लाइक हाउ विल यू नो लाइक द होल फैमिली बॉन्ड एंड यू नो इट्स ऑल अबाउट फैमिली इन माय शो एंड एवरीथिंग आई वाज वेरी यंग आई टोल्ड हिम कि सर एक चीज है मेरे खानदान में 25 लोग और हमारा जो घर है वो एक 150 भी है एंड चल टीवी तो कर ले शो एंड उस वक्त वो नहीं हो पाया बट माशाल्लाह ये हो गया ये मेरी किस्मत में था और आपके साथ काम करना था और वो हुआ माशाल्लाह एंड जो मेरे घर का जो बॉन्ड है तो वो कहीं ना कहीं मदद करता है मेरे जब व्हेन आई हैव माय सीन्स विद माय दादी व्हेन आई हैव माय सीन्स विद माय पापा माय मदर सो दैट हेल्प्स मी टू कनेक्ट कि मैं जिसे घर पे मेरी दादी से बात करता हूँ या पापा से so that has helped me with my own family bond as well. क्या बहुत ज़्यादा जो मैं ऑलरेडी मिल रहा है वो भी और ज़्यादा मिल सकता है बट वी डोंट वांट टू रिवील आगे क्या होगा दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन एंड हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है नो मैटर व्हाट पीपल माइट से बट आवर बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर टुगेदर इन इट मैंने शुरू से
Shivangi Mohsin ko, like I told my team, they are stakeholders in the show. They are equal stakeholders in what is going to happen today, tomorrow, day after in the show. So I've been kept them in the loop about everything. Any one message to the fans, keeping Sinjar in mind without saying anything, and all for your journey for these last 4 months. So any special message to the fans? Loving us and supporting us. Very targeted. देखते रहिए मंडे टू सैटरडे 9:30 PM. We are respecting the fans. Yeah, yeah. We keep loving Asia, we love you all, no matter what will happen ahead. Exactly. जो भी होगा आगे, जो भी है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमसे बहुत प्यार करते हो. So please वो प्यार इतना बरकरार रखिए and thank you so much. Woohoo! Please do that hair trick. No, do that hair trick. Though we are celebrating Kaira today, but it's true for the entire team. I can't name you all, but your lines become so much more beautiful, so much more meaningful, and so much more impactful when you guys say it. And I really want to read out something. This is not just true for Karthik's feeling for Naira. I guess this is true for the entire team, towards the show. So it goes, कितने सपने देखे थे और कितनी कसमें खाई थी, कितनी बातें कह डाली और कितनी बिन बतलाई थी. जाने क्यों लगता था मुझको साथ है अपना सात जन्म का, छोड़ दिया यूं बीच राह, ऐसी थी क्या रुसवाई थी. तूने मुझसे यही कहा था हाथ न छूटे रहा अपना, मैं पतंग तू डोर मेरी, महकाया तू परछाई थी. जब जब बिखरा आस का मोती तूने आस बंधाई थी, आंख खुली जो आज मेरी हर तरफ सिर्फ तन्हाई थी. कैसे मानूं सच है ये मेरी तू ही एक सच्चाई थी. दिस इज कार्तिक तेलंगाना. कैसे मानूं सच है ये मेरी तू ही एक सच्चाई थी, तू जान मेरी पहचान मेरी, तुझसे ही मेरी खुदाई थी. कितने सपने देखे थे और कितनी कसमें खाई. एक दो बार इस शो में, बट बहुत पहले आपने आने से बहुत पहले, ठीक है. तो दैट वाज जोक. बट प्रोड्यूसर्स रोते फॉर एक्स वाई जेड रीजन, बट
यहाँ प्रोड्यूसर होते हैं, I was telling you when I came and yesterday when we were talking that सीन पढ़ के और फिर परफॉर्मेंस देख के, अभी ग्राफकर देखू नहीं देखू, बिकॉज ईच थिंग एंड स्पेशली व्हाट यू बीन शूटिंग लास्ट फ्यू डेज, और जो कल रात को सीन शूट कर रहे थे रोमेश जी के साथ, इट वॉज विच बी टेलीकास्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, अफकोर्स आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट क्या वो एपिसोड देखो, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, देखो देखो देखो, आई वॉन्टेड समबडी टू से दैट, बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट, स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आपकी आंखों में आंखें नम हो जाती हैं, बट परफॉर्मेंसेस देखते हुए इट इज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, और मैं भी बहुत रोया, डोंट वरी, बोलना ठीक है, ठीक है, आई वुड लाइक समबडी जो बहुत इस शो के पीछे लुक फील के बहुत एक आई थिंक एनियत है कायरा का लुक फील, सो रिप्रेजेंटिंग the entire team which works hard on the look, feel, costume, jewelry, entirety is Nisha, who's been there from day one on the show. बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम बोलती है, but really hats off Nisha from day one to be all into the show, whether it's Anupama today or Nisha कहलाता है, जो पूरे look was been behind the entire look and with Garima's pose and the entire teamwork both between so Rana Jaka look feel costumes and look for you which you make beautiful. Human beings, simple and straight. They just carry off any clothes so beautifully that I think we work less accordingly. I would in fact wanted to ask you, which is the best outfit that you've worn through this journey of Kaira? लड़की के लिए शादी का जोड़ा बहुत ज़्यादा special होता है और मेरा जो मतलब नायरा का जो शादी का जोड़ा था वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था. ऐसे तो बहुत सारे लुक्स हमने किए हैं, बहुत प्रिटी प्रिटी आउटफिट्स हमने पहने हैं, एक चुनना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बोलना ही है तो आई सी माई वेरी आउटफिट. Hard work that you guys doing for all of us. You are there and we exist. All of us, I think the entire unit exists because of you guys. Thank you so much for this. सबका काम करें. अच्छा अब representing everybody, whether it is our makeup, partners in every scene, every moment, and all the co-actors, all the family members of Goenka Singhania. So I would request Swati ji, who is the head of the family with Sachin ji and every part of Goenka and Singhania, of course. And ask Swati, everybody. I have a great connection with both of them and I really love them. Love you too, Raghav. Put a family sticks together. And the bond has grown over these years. देखो बहुत तारीफें हो गई इधर, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में यही सबसे गुड लुकिंग जोड़ी है या सबसे लव सक्सेसफुल है, ऐसा भी नहीं है कि यही जोड़ी सबसे लंबे वक्त से चलती आई है, इनकी तारीफें इतनी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा माल बनाया है टीवी पे, लेकिन जो इन दोनों की सच्ची दौलत है
वो मेरे जिम्मेदारी में बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, वो है इनका अभी तक इंसान का कह। हम सब लोग इनसे ज़्यादा हल्ला कर रहे होते हैं, ये फैन नहीं है और ये सुविधा नहीं है, लेकिन मुझे एक्चुअली आप लोग भी काफ़ी इंटरव्यू करते हैं तो पता होगा कि नखरे का मैं, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि इन्होंने कभी जो जितना इनकी हैसियत हो चुकी है उसको भी कभी यूटिलाइज किया हो या उसका मिसयूज किया हो। मुझे 16 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए, लेकिन अगर टीवी में आने वाले नए लोग जिंदगी में कुछ भी सीखना चाहते हो, एक्टिंग ऐसी नहीं कर पाए चलेगा, ऐसा ना दिख पाए भी चलेगा, इतने सक्सेसफुल ना हो पाए, ये रिश्ता जैसा कोई शो ना मिले तो भी रंज नहीं, लेकिन अगर कहीं इनसे अदब तहजीब अपने आप को ग्राउंडेड रखना अगर सीख सकते हैं तो आई थिंक दे विल बी मोर सक्सेसफुल देन एनी मनी दे। मैं क्या बोलूँ, सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब भी सेट पे आता हूँ हर 2-3 दिन के अंदर आई मेक अ पॉइंट टू जस्ट टेल बोथ ऑफ देम अ वेरी वार्म थैंक यू फॉर बीइंग द वे दे आर, बिकॉज जैसा सचिन ने बोला है कि मेन लीड्स ऐसे नहीं रहते हैं, कुछ सालों में सर चढ़ने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है। They've been the way they were from day one which we saw till today, and in fact they're getting more humbler. So ye aise hain tabhi show bhi aur sab hum sab you know can go steady and think other things apart from taking tantrums of some leads, you know. So yeah, just stay the same that you are and God bless you all. And I love you both. Absolutely amazed. And like, how do they do it? I keep asking you guys every time.
so, and I'm really, really fortunate to be a part of the show. And बाकी सबने अपनी वीडियो के बारे में वगैरह बोला है, तो I hope I also get a love story like Kyra. I think we'd like to say that in the industry you both are truly the gold standard when it comes to all aspects of it, and all of us are truly very, very privileged. यहाँ पर सबसे पहले नन्नू किया था and then Love Kush. So जब मैं नन्नू करता था तो ये सोचता था यार इतने अच्छे लोग. पहले पता हो क्या मेरे जीवन में. हाँ, वो भी है. So, हालांकि वो बताने का एक नहीं है, एक और कैरेक्टर कर चुके हैं इसी सीरियल में. तो हाँ, सो जब मैं वहाँ पर नन्नू करता था, यहाँ पर सॉरी, जब मैं यहाँ पर नन्नू करता था तो ये सोचता था यार इतने अच्छे, लाइक मैंने और सो हम लोग यही सोचते थे यार इतने अच्छे यार सब के सब आते हैं, एक अलग सी एनर्जी रहती है. So, एक अलग सा बॉन्ड भी बन गया था दोनों के साथ. एंड सो धीरे 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 बहुत चीज सीखने को मिली. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली इज अप्रिसिएशन. लाइक हम लोग कोई भी सीन करते थे, छोटे से छोटा सीन होते थे, बट दे वैल्यू द काइंड ऑफ वैल्यू दे गिव टू अस इज समथिंग विच इज अनइमेजिनेबल. आप अगर हम आउटडोर शूट करते हैं, हम सचिन सर के साथ भी रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि यार कि किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे शो में हमने देखा है यहाँ पर डायरेक्टर सर के साथ भी बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बन गया है. सो यस, दिस इज समथिंग विच या एंड राजन सर बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग भी पावरफुल कपड़ लगे आते हैं उनके सामने. बट या मैं बहुत उनको रोल मॉडल की तरह मानता हूँ और मैं मानता रहूँगा, क्योंकि इसने मैं उनके साथ के सेट पे आता तो मैं देखता था जैसे वो तब थे अभी भी वैसे ही, और हम लोग लंबे हो गए. वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट था. और बस थैंक यू राजन सर, साथ लंबे हो. दीदी और भैया बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं. मतलब हमारे बाहर निकल जाते हैं, मैं बहुत अच्छे से मतलब भैया हमारे साथ हमेशा खेलते हैं और भैया खुशी का लड़ाई कैसे करते हैं, हम लोग हर बार इसी के सामने
वो कोल्ड हो जाएगा जैसे मेरा हमेशा मानना है and the love and the blessings the family has given them always stood by them unconditionally aur jo pyar jo I think inki success ke piche sabse bada haat aur I think blessing hai unke parents ki aur unke family ki so on behalf of entire DKP team ye rishta ki to all the family members here Goenka Singh Anjas a huge round of applause and I would like to call them on stage Bossy Sandy and Shivaji Sandy and I So that's an inbuilt, and this shows you know what's a real and a real thing. So once you do anything from your heart, that's it. Like, and the way they portray is their life; it's not acting. Thank you. आगे क्या करना है काम को लेके पर्सनल लाइफ एंड हैज ऑलवेज बीन देयर एज अ मेंटर टू मी या सो या लव यू
कल एक कायरा एक एहसास, कल 6 जनवरी 2021 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है ये रिश्ता कहलाता की जर्नी में, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की जर्नी में, कायरा की जर्नी, शिवांगी और मोहसिन की जर्नी। आई थिंक एक जर्नी है, आई थिंक 4.5 साल और आई थिंक टुमारो 6 जनवरी कम्प्लीट 1226 एपिसोड्स ऑफ कायरा एंड कुछ दिनों में 300 एपिसोड्स ऑफ रिश्ता कहलाता है एंड और 12 जनवरी हम लोग कंप्लीट करेंगे 12 साल ये रिश्ता का कहलाता है। सो आई थिंक ये जो एक जोड़ी और एक जो एक स्पेशल बॉन्ड एंड एक एहसास है कायरा का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से कल गुजरेगा। सो वी वॉन्ट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द मीडिया एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग कायरा, सपोर्टिंग डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, सपोर्टिंग रिश्ता कहलाता है। सो थैंक यू गाइज सो मच, आप लोग हमारे एक वो है नो वॉइस टू एवरीबडी एंड थैंक यू फॉर बींग सो सपोर्टिव थ्रू आउट एंड टू ऑल ऑफ यू और रिश्ता कहलाता है फॉर कायरा ऑफ द इंटायर टीम। बहुत अरसे के बाद आपको मज़ा आता है एज ए इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन काम करके विद दीज टू ब्यूटिफुल ह्यूमन्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अगेन ह्यूमिलिटी सिखाते हैं एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड टू थैंक गॉड एंड टू थैंक द इंटायर टीम कि इतनी मेहनत करो। एंड मेरे हिसाब से जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नॉट ओनली मेरे करियर का बट आई थिंक मेरे लाइफ की जो बेस्ट जोड़ी है वो कायरा है, वो शिवांगी मोहसिन है, वो कार्तिक नायरा है एंड आई नो कल आज या कल दे विल बी द मोस्ट स्पेशल एंड द बेस्ट जोड़ी बिकॉज बहुत कुछ सिखाया उन्होंने एंड दे इंस्पायर मी ग्रेट जर्नी और क्या होगा कैसे होगा टाइम मिलता है और मेरी बता दो एंड लेट्स होप कि हम सुबह 6 बजे देखने वाले हैं, सुबह 6 बजे ही हॉटस्टार पे आने वाला है बिकॉज वी गोना शूट टिल 6 एनीवे, तो वो देख के ही हम सोने वाले हैं तो वो जो एपिसोड है बिकॉज दैट्स इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी वन एज वेल, सो इंशाल्लाह वी ऑल गोना वॉच इट बिफोर वी स्लीप। और मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँ कि ये जो नेक्स्ट फेज़ है कल से शुरू होगा उसके 3-4 पड़ाव हैं, हमने बहुत मैंने हमेशा शिवांगी और मोहसिन को इस शो का स्टेक होल्डर माना, दे आर नॉट जस्ट एक्टर्स और जस्ट कैरेक्टर्स वो प्लेइंग, दे हैव इक्वल से जितना राजन शाही का से है शो के अंदर उतना ही शिवांगी और मोहसिन का है, कार्तिक नायरा का है बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड टुवर्ड्स क्रिएटिंग दैट इक्विटी विद मी एंड डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। सो बहुत सारी न्यूज़ आई कि मेरी नाराज़गी चल रही है शिवांगी से और कुछ इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं ना होगा बिकॉज एक चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक वो हम्बल बनाती है जो जितना ट्रस्ट एंड फेथ ये 4.5 साल में कल हुआ आज है और कल होगा भी, दैट अनकंडीशनल फेथ जब आपकी तरफ एक दो लोग देते हैं आज तक एक इंसिडेंट नहीं हुआ, गॉड नोज दैट एक इंसिडेंट नहीं हुआ इतने 4.5 साल में और 1226 एपिसोड की शिवांगी मोहसिन ने मुझसे एक बार पूछा हो, टफेस्ट काम करना होता है टफेस्ट डिसीजंस लेता हूँ इनके बिहाफ में मैं, वन थिंग जिन्होंने हमेशा मुझे बोला सर वी आर विद यू, सर आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं एंड आई एम टेलिंग यू स्टैंडिंग आउट हियर 4.5 ईयर्स में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की शूटिंग हो, चाहे कोई भी पड़ाव हो शो का, लीप हो, चेंज हो, ड्रामेटिक, आई एम टेलिंग यू 27 साल की मेरी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, हर इंसान चाहे वो बिहाइंड द सीन हो चाहे वो एक्टर हो कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चंस करता है ऐसा क्यों क्यों नहीं, एंड आई हैव सीन एवरीबॉडी यू नो हाउ दे बिहेव, ये दो इंसानों ने जो मेरे पर फेथ रखा है दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल बट इट इज़ समथिंग इट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड आई नो आई विल नेवर जब तक मेरे लिए ये शो रहेगा दे विल बी द मोस्ट स्पेशल फॉर मी एंड इट विल ऑलवेज बी देयर एंड थैंक यू सो सो मच। बहुत कुछ आगे है इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉच द जर्नी बिकॉज ये जर्नी है ना ये खाली एक हफ्ते की नहीं है, ये हर एक कड़ी है, जैसे हमने जब शो की कायरा की शुरुआत करी थी ऋषिकेश में एग्जैक्टली वही हम चीज़ एक रिक्रिएट कर रहे हैं, एक एक कड़ी जो चलेगी नेक्स्ट 1, 2, 3 डे एक हफ्ता 2 हफ्ता एंड व्हाट विल गो ऑन टू द 3rd week इज समथिंग आई फील सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और शिवांगी मोहसिन। ये बहुत सारे आज आइडिया सुबेरे सबके आए, एक तो आरिफ ने आज बोला कि सर हाँ ये आइडिया आया आरिफ का, आरिफ शेख का, जब आरिफ ने बोला कि सर एक काम करते हैं आज हम कायरा डे बनाते हैं एंड लेट्स मेक 6 जनवरी ऑलवेज अ वैलेंटाइंस डे होता है डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के लिए, जिंदगी भर हमने अच्छे शोज करे हैं आज कर रहे हैं और बनाएंगे,
ऊपर वाले की दुआ से, मगर सिक्स जान हमारे कायरा डे होगा बिकॉज ये बेंचमार्क रहेगा हमारे लिए इन अ कंपनी की, ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स, इतने टैलेंटेड पीपल एंड गुड सोल्स, वो हमारे लिए बेंचमार्क रहेंगे फॉर अस। सो सिक्स जान इज कायरा। ये थोड़ा एनीवे स्पेशल है, मेरी जो छोटी बहन है उसकी शादी हुई थी सिक्स जान को 2 साल पहले, और सो नाउ सो आई थिंक देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट नंबर 6। हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो जब इसके बारे में पता चला सेट पे आके, एक्चुअली ये हमारे लिए सरप्राइज ही था, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है। वी वर लाइक रियली अमेज्ड, एंड ऐसा कुछ होगा हर साल, इतने सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, इतने बर्थडेज हम मनाते हैं, हमारी लाइफ में इतने स्पेशल दिन होते हैं, सो एक और स्पेशल दिन जुड़ गया हमारी लाइफ में, तो उसकी खुशी अलग ही है। और जनवरी मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा घर वालों के बर्थडेज और यू नो एनिवर्सरीज, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी, मेरी मॉम का बर्थडे, सब जान में आता है। सो जान में एक और स्पेशल डे जुड़ गया है, तो इससे अच्छी बात है कुछ और। अब मैं जैसे बोला ना कि एटलीस्ट 6 जान के बाद आई डोंट वॉन्ट टू स्टैंड बिटवीन कायरा, सो कायरा शुड बी टुगेदर, ठीक है। Mohsin will answer this, then there will be one thing which I want to talk about Umesh, and then after that Mohsin and Shivangi are all yours, okay? So yeah, please answer. Yes, my family has been a great example for me to relate to the scenes, but that understanding is for the screen as well. Ab jab baaki scenes hote hain jo hote hain, I take references from say Dilip saab, I take references from Shashi Kapoor saab, I don't try to imitate them, but main koshish karta hu ki jab jitna humne bachpan se dekha hai unhe, to jitna hum seekh sakte hain un logon se, jitna bhi Hollywood film se seekh sakte hain, to wo main koshish karta hu, ya to agar koi bahut emotional scene hai to hum log kitabe padh lete hain। मैं खालिद हुसैनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं कोई इमोशनल सीन हो, जैसे बच्चे के डेथ का सीन था जब पहला बच्चा मर जाता है, तो मैंने थोड़ा अपने आप को बंद कर दिया था कुछ दिनों तक, और मैं सिर्फ उनकी किताबें पढ़ता था। उन्होंने एक बच्चे के डेथ पे एक बुक लिखी थी, बहुत छोटी सी किताब थी, और तो मैं वो ही पढ़ता रहता था। सो दीज अदर थिंग्स दैट इट्स बुक्स, म्यूज़िक, और यू हैव योर आइडल, आई हैव दिलीप साहब as my idol. So they help me doing either romantic scenes or emotional scenes or family bonding scenes. So one thing, I just want Umesh ji, because casting होने से पहले 7.5 साल they had already completed, 2000 के ऊपर एपिसोड, सारे अवार्ड जीत चुके थे, तो माशा इट वॉज ऑलरेडी giant show in itself. To be part of it is very humbling, and at the same time extremely grateful यार ऊपर वाले का, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत शुक्रिया मानता हूँ। मेरे अब्बा अम्मी हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो, जस्ट कीप थैंकिंग गॉड फॉर इट, एंड व्होएवर लाइक जो भी आपकी लाइफ में आता है, वर्क में आपको काम मिलता है, वो जरिया बनता है ऊपर वाले का ही, सो आई थैंक गॉड फॉर दैट। माई फेवरेट शो इज़ ये रिश्ता क्या कहलाता है, नो इट साउंड्स क्लीशे, बट आई लव द होल, मैं देखता हूँ, मैं पुराने एपिसोड्स भी देखता हूँ कायरा के, एंड आई फील फॉर दो सीन्स, क्योंकि क्या होता है ना, मैं वो सीन्स के डायलॉग्स थोड़े थोड़े भूल चुका होता हूँ, तो मुझे और मज़ा आता है फिर वो जब सीन वापस देखता, तो आई फील फॉर दोज कैरेक्टर्स, एंड सो या दैट इज़ द रीज़न। Of course, I want to thank her for the Naira, you know. हमने what had happened is हमने जो हमारा mock shoot था वो साथ में हुआ था, सो मैंने इन्हीं के साथ, इन्होंने और कुछ कार्तिक्स के साथ mock shoot किया था, और मैंने साथ किया था, पर मेरा mock shoot जो है इनके साथ हुआ था, एंड वी वर गिवन स्पेस के आप अपने हिसाब से थोड़ा परफॉर्म कर लो, सो वी हैड टू क्रिएट दिस सीन, तो वो किया था, और तब से इट्स बीन, एंड व्हाट हैपेंस इज आई डोंट हैव टू थिंक कि अरे यू नो, अगर मैं इसे पूछ लूँ कि अब सीन मैंने सही किया नहीं किया, तो फिर से इसके यार ये ठीक नहीं था वापस करते, सो दैट इज़ द
द फीलिंग यू नो यू डोंट आई डोंट हैव टू थिंक यार मैं इसे पूछूँ या इसको मैं बोलूँ कि ये सीन मुझे इतना मज़ा नहीं आया सो आई थिंक दैट हेल्प्स अस टू डू द सीन बेटर He's an amazing actor, as we all know, and he's a very good human being also. We are very supportive. Or, मतलब शुरुआत से ही. She's an amazing actor. She's a better actor than me. No. So, मुझे मौसम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मतलब I feel very lucky that you know हम एक तो इतने प्यारे शो का हिस्सा है और Mohsin is my co-actor and you know very good looking guy and an amazing actor and a very nice human being very humble aur jaise ki maine kaha ki main unse bahut kuch seekhti hu to wo kai baar mujhe bahut help karte hain aur I think hum dono ek dusre ko bahut support karte hain from the day one that's the reason because you, there is no thing ke oh yaar ye mujhe usko bolna padega ki acha tha ya bura tha So we don't have those things. It's very chill out. That when I, mashallah, that is with the entire cast. Yes. So if something goes wrong, and Sachin ji, who plays my father, so he'll just comment directly. Yaar, ye kaisa kiya tune? Wapas kar. So that is the feeling with the entire cast, and that thank God has stayed for 4.5 years. Saade chaar saal ho gaye, and mashallah, aur aise hi aage barkarar. He's the best Kartik. Any last message? Thank you so much guys for accepting us for loving us for supporting us I know mera dialogue raha hai but thank you so much I know humne shuruaat se kehte aaye hain lekin ye sach hai ki is cheez ke liye hum aap logo ko jitna thank you kahe utna kam hai aap logo ne itna pyar diya hame shuruaat se hi itni jaldi accept kiya itna support kiya hamari characters ko itna pyar kiya aur aaj hum jab bhi aap logo se kahin bhi milte hain so वी यू नो फील दैट वॉर्म्थ और मतलब लगता ही नहीं है कि हम आप लोगों से मिलते वक्त ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी हाँ जब लोग मिलते तो बड़े अपनापन से मिलते हैं बहुत लोग ज़्यादा ही अपनेपन से मिलते हैं सो आई एम श्योर उनको भी यही लगता है कि ये हमारे फैमिली का हिस्सा है एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल गाइस थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस फॉर लविंग कायरा इंशाल्लाह वी कीप एंटरटेन